हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम अस अगैन। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8 का। दिख थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो देखो, यहाँ पर बोल ये रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है हमेशा की तरह। उसमें एंगल ए और बी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है, यानी 108 डिग्री आ रहा है एंगल ए और बी का सम। उसी तरीके से बी और सी का जब हम लोग प्लस करते हैं तो 130 डिग्री आता है। तो बताइए कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर देखो, यहाँ से हम लोग किसी भी तरीके से ये जो अपने को दिया हुआ है ना, देखो इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो अगर अपन बी की वैल्यू कहीं से निकाल लें तो हम लोग आसानी से फिर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बी का वैल्यू आ गया मेरा 8 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 8 डिग्री तो नहीं आएगा, फिर मान लो 8 आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बी के वैल्यू को अभी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 108 में से 8 माइनस करके ए का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से इधर भी करेंगे बी का वैल्यू को ट्रांसफर करके, तो अपने को यानी कि बी का वैल्यू अगर मिल जाए तो पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब बी का वैल्यू कैसे निकालना है, आइए वो मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लो कि अपने को दिया क्या गया है। तो ये चीज़ हमें दी गई है, ए बी का ऐड करूंगे तो 108 आएगा, और बी और सी को ऐड करेंगे तो 130 आएगा। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये दोनों हमारे एक इक्वेशन है और हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाले को ऐड करेंगे और राइट वाले को ऐड करेंगे। यानी कुछ इस तरीके से बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, फिर इधर से हमारा ये वाला एंगल बी और प्लस में ये वाला एंगल सी, यानी इधर वाला और इधर वाला हमने पूरा ऐड कर दिया। तो इक्वल के राइट साइड में जो है वो भी ऐड हो जाएगा, 108 है, 108 डिग्री प्लस में 130 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप इसको मैं क्यों करा रहा हूँ वो समझना। यहाँ पर जब हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आ जा रहा है, ये तीनों चीज़ आ रहे हैं। हम क्या जानते हैं कि तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा उसका वैल्यू जो होता है 180 डिग्री हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल हैं, ए है, एक बी है और एक सी है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल का, ठीक है, रूल है यानी कि। तो यहाँ पर वही काम हम लोग करेंगे, इन लोग को एक साथ लिख लेता हूँ ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको इकट्ठा कर लो और फिर ये एंगल बी जो उसको थोड़ा सा साइड में कर लो और इक्वल के उस साइड में इन दोनों को ऐड करके लिख दो। तो 100 100 200 हो जाएगा, 8 और 30 हो जाएगा 38, तो 238 डिग्री राइट साइड में हमारे पास है। अब हम क्या जानते हैं कि ए बी और सी तीनों का जो वैल्यू होता है, इसको चाहे तो ब्रैकेट में भी ऐसे कर सकते हो, इन तीनों का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। तो इसके जगह में आप 180 कर दो कि 180 डिग्री प्लस में एंगल नंबर बी इक्वल टू 238 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 180 लिखें तो बताना पड़ेगा कि 180 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। तो लिख दो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से अपने को बी के वैल्यू आसानी से मिल सकती है, 180 को इधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 238 माइनस में, देखो इधर ये चूंकि प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी हमारा कितना हो गया, 8 में से 0 माइनस हुआ तो 8 आ जाएगा, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके 13 बनेगा, 13 में से 8 माइनस होगा तो मेरा 5 आ जाएगा। अब यहाँ 1 बचा है, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो एंगल बी जो होगा मेरा वो 58 डिग्री का है। तो देखो एक एंगल मिल गया। अब यहाँ से इन दोनों में से आप क्या करो, जल्दी से दूसरे एंगल को निकाल लो। यानी कि देखो, हम लोग को दिया हुआ था, नाउ करके इस तरीके से लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री था। तो यहाँ पर आप एंगल बी के वैल्यू लिख लो 58, तो एंगल ए प्लस 58 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ से कितना निकल जाएगा, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 108 माइनस में 58, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए। यहाँ से 8 में से 8 माइनस हो तो 0, 10 में से 5 माइनस हो तो 5, यानी कि 50 डिग्री। एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो 50 डिग्री होगी। सेम उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन से अपन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ था एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री ना, तो यहाँ से अपन बी की वैल्यू लिख लेते हैं 58 डिग्री प्लस एंगल नंबर सी इक्वल टू 130 डिग्री। और सी की वैल्यू निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 130, चूंकि इधर ये प्लस में था इधर आकर के 58 माइनस में हो जाएगा। तो एंगल सी कितना निकलता है, जल्दी से आप माइनस करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। बाकी अगर आपको अपना आंसर चेक भी करना है, एग्जाम में मान लो फ्री टाइम पे बैठे हो, आपका काम कंप्लीट हो गया और टाइम बचा हुआ है, तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। जैसे देखो, पहले तो अभी आप माइनस करके एंगल सी का वैल्यू निकाल लो, इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद फिर यहाँ पर आप क्या करना, बी वाले को, ए वाले को और सी वाले को तीनों को ऐड करके देखना, ठीक है। तीनों का अगर सम जो है 180 डिग्री निकल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों का जो सम है हमेशा 180 डिग्री होता है, और अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो आंसर गलत है। तो चलिए, जल्दी से माइनस कीजिए और मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।